Good morning to all the students. As promised, I had discussed in the classroom that I will be forwarding you the video of the second book of English, the supplementary reader which you have to go through, and the name of the book is Vistas. You have already finished Flamingo, और विस्तार को जब स्टडी करना है, विस्तार को जब आप रीड कर रहे हैं या उसको स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझनी है कि इट्स अ सप्लीमेंट्री रीडर, और ये बुक इसलिए रीड आपने करनी है, ये बुक इसलिए आपने अंडरस्टैंड करनी है ताकि कुछ थीम्स और कुछ जॉनर्स जो आपने फ्लैमिंगो में पढ़े हैं या क्लास 11th 12th में, इवन क्लास 10th में जो लिटरेचर के कुछ आस्पेक्ट्स यू हैव वेंट थ्रू दोज आस्पेक्ट्स, उन्हीं आस्पेक्ट्स को आप और सॉलिडिफाई करें, और जब अगले साल आप बाहर जाए, आई मीन टू से जब आप एक रियल वर्ल्ड में पहला फुट रखेंगे, पहला फुट स्टेप होगा आपका एक रियल वर्ल्ड में, जब आप आपके आसपास कुछ नई नई चीज़ें घटेंगी, आप सोसाइटी को थोड़ा अंडरस्टैंड करने लगोगे, आप डिफरेंट आस्पेक्ट्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करने लगोगे, जो एक स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज लाइफ में जो एक डिफरेंस है, जब आप उसको समझने लगोगे, तो उसके साथ साथ आपका एक इंसाइट डेवलप होगा। और लिटरेचर का गोल, जैसे कि मैंने आपको एक डिफरेंस बताया ही है कि लैंग्वेज में और लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर का बेसिक गोल भी यही है कि वो पर्सपेक्टिव और वो एक विजन आपका क्रिएट, और विजन वर्ड के ऊपर ही आपकी इस बुक का नाम भी है, जो सेकंड बुक है इसका नाम है विस्तार। विस्तार जो है ये एक लैटिन रूट वर्ड है, वहाँ से इसको लिया गया, और विस्ता का मतलब है देखना, विजन, एक तरह का नज़रिया। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी चैप्टर को जब पढ़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका एक क्या विजन, एक लेसन रीड करने के बाद आपके विजन में क्या चेंज आता है, व्हाट इज़ द विच डिफरेंस, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस वो चैप्टर या वो लेसन आपके अंदर क्रिएट करता है, और वही वो विजन जो वो क्रिएट करता है, उसी विजन के रिलेटेड इस बुक का नाम भी है, और बुक का नाम विस्ताज है। इट्स ए सप्लीमेंट्री रीडर, इसके कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। इट्स ऑन इफ यू टेक योर बुक्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बुक्स हमेशा बेटा हाथ में रखनी है, दिस हैबिट हैज़ टू बी डेवलप्ड, किताब हाथ में रख के पढ़ना इसका एक चाम ही अलग है, और वीडियो के ऊपर प्रेजेंटेशन में पढ़ना उसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, बट बुक हाथ में हो। और पेज नंबर 7 पे जब आप जाएंगे, व्हेन यू गो टू पेज नंबर 7, यू विल नो समथिंग अबाउट द बुक। तो व्हाट इज दिस बुक अबाउट? सो दिस बुक इज, ये आपकी फ्लैमिंगो के साथ जोड़ी गई है। क्यों जोड़ी गई है? ताकि यू हैव अ डिफरेंट रीडिंग एक्सपीरियंस, आपकी एक एक्सटेंसिव रीडिंग और एन्जॉयबल एक्सपीरियंस हो, जिससे स्टूडेंट्स अप्रिशिएट कर सके, जिससे आप प्रशंसा कर सको किसकी, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग एंड अंडरस्टैंड द सोशल मिलिया दे लिव इट। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मिलिया? आपने देखा होगा इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, इट्स इन पैरा 1। तो इट मीन्स योर सोशल एज वेल एज पर्सनल एनवायरनमेंट, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, आपके अराउंड जो एनवायरनमेंट होता है, सोशल लेवल के ऊपर भी, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल की ओर आते हैं, आप कुछ चीज़ों को विटनेस करते हैं, देखते हैं, और पर्सनल लेवल पे ऊपर भी जब आप घर में होते हैं, तो इन दोनों एनवायरनमेंट्स को अंडरस्टैंड करना ही इस बुक का और इस सेकंड बुक का जो सप्लीमेंट्री रीडर है, फर्स्ट का भी गोल है, सेकंड का उसको और उस अंडरस्टैंडिंग को, जैसे मैंने कहा, उसको और ऐड करना, ये इस बुक का गोल है। कमिंग टू नेक्स्ट पैरा, व्हाट इज द अटेम्प्ट? अटेम्प्ट ये है कि जो डिफरेंट जॉनर्स हैं, जो डिफरेंट थीम्स हैं राइटिंग के, उसको स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सके, जिसमें साइंटिफिक फैंटेसी भी है। जब मैं साइंटिफिक फैंटेसी की बात करता हूँ, इट एनीथिंग रिलेटेड टू साइंस, साईफाई आपने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, साईफाई क्या है, तो पॉलिटिकल सटायर, एडवेंचर, और तो लास्ट में बेटा जो लाइंस है, ये वर्ड्स जो है, इसको थोड़ा आप डीपली स्टडी करेंगे, एथिकल एंड मॉरल इश्यूज। सो व्हाट इज दिस एथिकल एंड मॉरल इशू? सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड मॉरल इशू, ये पहले अंडरस्टैंड करना है। सी, एथिकल मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी, हम सोसाइटी में कैसे एक्ट करते हैं, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है,
किस तरह से अपने इकोसिस्टम में, जब आप हम क्योंकि हम वी ऑल वी डोंट लिव इन अर्बन, वी डोंट कम फ्रॉम अर्बन एलाइट, हम अर्बन एलीट एलीट को बिलोंग नहीं करते, वी कम फ्रॉम सेमी अर्बन एरियाज, मैक्सिमम मेजॉरिटी इंडिया वहाँ से ही है। तो अंडरस्टैंड करना है, एथिकल का मतलब है कि जब हम समाज में निकलते हैं, वेन वी इंटरेक्ट विद पीपल, या जब हम बाहर जा रहे हैं, हम खुद को कैरी किस तरह से करते हैं। मॉरल इज़ अ पर्सनल बिलीफ, जैसे मॉरल इशूज़ की जब बात होती है, मॉरल इज़ अ माई पर्सनल बिलीफ। मॉरल इशू का मतलब है मेरा मन है, लाइक मैंने एक क्लास में भी आपको क्वेश्चन पूछा था कि अगर सच बोलना है तो क्यों बोलना है, वाई वाई यू हैव टू स्पीक ट्रुथ, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। तो मॉरल जो है, मॉरल को अंडरस्टैंड कीजिए, मॉरल इशू मीन्स समथिंग जो आपके अपने पर्सनल बिलीफ है वो उसके ऊपर बेस्ड है। एथिकल मीन्स जब आप समाज में निकलते हैं तो बड़े के साथ कैसे बात करनी है, तो कहीं लिखा तो नहीं है बट आपको पता है किस तरह का ड्रेस किस इकोसिस्टम में पहनना है, कहीं लिखा तो नहीं है बट आपको पता है। तो एथिकल इश्यूज जो होते हैं सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं तो हमें खुद को कैरी किस तरह से करना है। तो वो वाला थीम भी इस बुक में है, एथिकल मॉरल इश्यूज एंड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। देन कमिंग टू थर्ड पैरा, इट्स जैक फिनीज द थर्ड लेवल, इट्स ए साइंटिफिक फैंटेसी। अब जो ये थीम्स जैसे साइंटिफिक फैंटेसी है, साइंटिफिक फैंटेसी के बारे में जो ये टॉपिक है जैक फिनी का थर्ड लेवल, वो इसके बारे में बात करेगा। टाइगर किंग भाई कल की जो है इट्स ए पोलिटिकल सटायर। एंटार्क्टिका जो है इट्स ए ट्रेवल पीस विद ए सजेशन, इसमें कुछ सजेशन भी दी गई है कि आप इस वेबसाइट पे, एक डेडिकेटेड वेबसाइट इन्होंने सजेस्ट किया कि वहाँ जाके आप देखिए कि क्या है ये अबाउट, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। देन देयर आर टू स्टोरीज, ये दोनों स्टोरीज जो है पर्ल इज बक की है, और ये जो स्टोरीज है ये इट्स अ वंडरफुल एस्पेक्ट। आई एम अगेन कमिंग टू पैरा 4, ह्यूमन फेलो फीलिंग अगेनेस्ट नेशनल लॉयल्टी। सो व्हाट इज दिस ह्यूमन फेलो फीलिंग? सी इफ समथिंग हैपन्स इन इज़राइल, इफ समथिंग हैपन्स इन पाकिस्तान, इफ समथिंग हैपन्स इन पैलेस्टीन, इफ समथिंग हैपन्स इन रशिया और एनी अदर कंट्री, कहीं सुनामी आती है, कहीं टेरर अटैक होता है, कहीं पे वॉर चल रही है, तो वी फील बैड अबाउट इट। हमारे जो इमोशंस होते हैं दैट इज़ आवर पर्सनल फीलिंग, हमारे को लगता है अरे बड़ा गलत हो गया, ठीक है। बट नेशनल लॉयल्टी क्या है? नेशनल लॉयल्टी क्या है? आपने देखा होगा जब सपोज पुलवामा अटैक्स हुए या 26/11 टेरर अटैक्स हुए, तो उस समय ना, उस समय की जो फीलिंग थी इट वॉज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट फीलिंग जो हमें कभी भी किसी के लिए जनरेट हो सकती। ह्यूमन फीलिंग इज डिफरेंट, ह्यूमन फीलिंग का मतलब एक सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल, एक आर्मी मैन है, ही लव्स हिज फैमिली, वो अपने परिवार को प्यार कर, मतलब अपने फैमिली बीवी बच्चे सबसे प्यार करता है, ही लव्स ऑल दोज पीपल हु आर अराउंड हिम, हु आर इन हिज पर्सनल एनवायरमेंट। बट व्हेन इट कम्स टू नेशन, उसकी वो फीलिंग जो नेशनल लॉयल्टी है वो उसको ओवरपावर कर जाती है। तो दिस इज बेटा, जब आप ये फोर्थ पैरा में जाएंगे, ह्यूमन फेलो फीलिंग अगेनेस्ट नेशनल लॉयल्टी। सो नेशन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारी फीलिंग्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, लाइक इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी आर फीलिंग व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट सम अनदर पर्सन, किसी के, मतलब इट कैन बी गुड फीलिंग, इट कैन बी फीलिंग्स हैव लाइक देयर आर 8 वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस, यू कैन स्टडी इट लेटर ऑन इफ यू ऑप्ट फॉर लिटरेचर। बट ह्यूमन फेलो फीलिंग अगेनेस्ट नेशनल लॉयल्टी, ये सब फीलिंग्स, ये जो इसके अगेनेस्ट का जो बैकड्रॉप है वो इसमें, इन दो कहानियों में, इन दो स्टोरीज में यू विल कम टू नो अबाउट इट। देन देयर इज अ प्ले बाय सुजान हिल, इट्स ऑन द थीम ऑफ डिसेबिलिटीज। अब यू नो कि डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसका मीनिंग जो है, इसका जो आइडिया है कि डिसेबल किसको कहा जाएगा, इसका मीनिंग अब चेंज हो चुका है। तो बट थीम वही है, बिकॉज बुक इज ओल्ड, पुरानी किताब है, तो चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये प्ले है सुजैन हिल का, और एक्सर्प्ट है किसके, द लैंड ऑफ द रेड एप्पल के, एंड एक स्टोरी है साकी बुक द स्कूल डेज ऑफ एन इंडियन गर्ल। हर यूनिट के कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट इन द सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स द लर्नर बियॉन्ड फैक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन। मैंने जैसा पहले के स्टार्ट में बताया कि रीड करने के बाद व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट द बुक
टॉपिक जब आप रीड करते हो, रीड करने के बाद यू शुड स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग. कंटेम्पलेटिंग का मतलब क्या है? यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन द इश्यूज, उन इश्यूज के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर जिसको टेक्स्ट, जिसको जॉब आप रीड करेंगे, स्टोरी को रीड करेंगे, टू स्टोरीज रीड करेंगे आप, यू विल रीड अ प्ले, देन यू विल गो थ्रू सम थीम्स रेंजिंग फ्रॉम साइंटिफिक फैंटेसी, पॉलिटिकल सटायर एंड एडवेंचर. तो जब आप ये सारे टेक्स्ट रीड करोगे तो आपका एक इंसाइट डेवलप होना चाहिए. जैसे कि व्हेन यू वेंट थ्रू फ्लेमिंगो, तो आपने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, आपने लैंग्वेज इम्पोजिशन के बारे में पढ़ा, आपने जैसे उसमें हमने ये भी पढ़ा कि इंडिया में कितने डिफरेंट इंडिया थे. जिस इंडिया को हम जानते हैं, तो हमने वो बैंगल सेलर की स्टोरी पढ़ी, तो वी केम टू नो कि मतलब लाइक जिस तरह से हम अपने इकोसिस्टम को देखते हैं या समझते हैं वैसा नहीं है. बहुत कुछ है जो अभी भी रीड करने के बाद ही पता चलता है. सो विद ऑल दीज वर्ड्स बेटा, दिस इज समथिंग अबाउट द बुक. आई एम फॉरवर्डिंग इट. नेक्स्ट जो वीडियो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू योर फर्स्ट चैप्टर. आई विल ट्राई टू समराइज ऑल दीज चैप्टर्स एट वन गो. बट बाय बाय, टेक केयर. बट जस्ट रिमेंबर, ऑलवेज कीप द बुक इन फ्रंट ऑफ यू. डोंट, जब भी आप कुछ, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू वॉच मी, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू लिसन टू द टॉक, लिसन टू इट. आप बुक हाथ में रखिए, लिसन टू मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, और अंडरलाइन करें अपने बुक के पार्ट को, और उसको थोड़ा एक बार फिर रीड कीजिए, ताकि बुक के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, और जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि क्या पूछा जा रहा है, और आप एक अच्छा आंसर फ्रेम करके लिख सकें. बाय बाय एंड टेक केयर.